बच्चों कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, जो भी डाउट्स हो क्लास में तो डाउट्स बता दिया करो, तो उसका नेक्स्ट क्लास में अपन सॉल्व कर लेंगे। अपना टॉपिक चल रहा था तो रैबिट्स का, रैबिट्स में आज अपन स्टडी करेंगे केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ कार्डलिंग, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ कार्डलिंग एनिमल्स। तो कार्डलिंग क्या होता है? कार्डलिंग गिविंग बर्थ टू न्यू बॉर्न किड्स इज कॉल्ड कार्डलिंग, यानी जो बच्चे को जन्म देने की जो प्रक्रिया है रैबिट्स के अंदर, वो काइंडलिंग के नाम से जानी जाती है। और इसका जो फीमेल रैबिट एडल्ट में को डव बोलते हैं और मेल को बक बोलते हैं, लाइक एट जो गोट, कोई टर्म्स इसमें। डोंट डू नॉट शो ऑस्टिस साइकिल सो कैन बी मेटेड एनी टाइम ऑफ द ईयर। जो रैबिट है, रैबिट में डव किसी भी समय में इनको एनी टाइम मेट कर सकती है। ऑस्टिस साइकिल ओपन होता है इसका, लाइक एज काउ केटल्स। डव आर टेकन टू मेल केजेट एट डव डू नॉट अलाउ एनी मेल इन इट्स कैच। इट इज मोस्टली डन इन मॉर्निंग और इवनिंग। डव को जो मेल के केज के अंदर जब ये हिट में होगी, तो उसके लिए जब हिट साइकिल होगा तो उसके अंदर उसको और उसके केजेज में अपन को ट्रांसफर कर देते हैं, और ज़्यादातर मॉर्निंग या इवनिंग में करते हैं। गिविंग बर्थ टू न्यू बॉर्न किड्स इज कॉल्ड काइंडलिंग, अभी आपको मैंने बताया था। गेस्टेशन डेज आर अबाउट 30 to 35 days इन रैबिट। रैबिट का जो गेस्टेशन पीरियड है, जो पहले भी डिस्कस किया था, 30 से 35, यानी एवरेज 32 दिन, 30 से 32 दिन का इसका जो वेस्टेशन पीरियड होता है। ऑन 25th day ऑफ गेस्टेशन द डव इज प्लेस्ड टू नेस्ट बॉक्स वेयर द डव विल आल्सो पुल वुड और फर फ्रॉम द बॉडी टू प्रिपेयर इजी नेस्ट फॉर किड्स। जब गेस्टेशन का जो अबाउट 25 days होते हैं, तो उसका अपना नेस्टिंग प्रिपेयर तैयार करने लग जाती है फीमेल रैबिट्स। द नेस्ट शुड बी इन हाइजेनिक सराउंडिंग विद द डार्क एनवायरनमेंट। काइंडलिंग लास्ट फॉर 15 to 30 minutes अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ लिटर। इफ देयर इज एनी डेड एनिमल इट इज शुड बी रिमूव डेली। इंस्पेक्शन ऑफ नेस्ट इज इम्पोर्टेंट। नॉर्मली द रैबिट नर्स देयर बनी वंस इन ए डे इन अर्ली मॉर्निंग। रैबिट आर बॉर्न विदाउट एनी फर एंड क्लोज्ड आई। स्पेशली जब काइंडलिंग पीरियड में ये ध्यान रखा जाता है कि इसका स्पेशली साफ सफाई ज़्यादा क्लीन होना चाहिए। अगर किसी प्रकार का जो डेड मतलब जो मोर्टिलिटी होती है, उसको हाथों तो उसके नेट से दूर कर देना चाहिए। और जब इसका जो न्यू बॉर्न होगा,
तो कैसा होगा, विदाउट एनी फर एंड क्लोज्ड आइज, इसकी जो एकदम क्लीन होगा स्किन, कोई फर नहीं होंगे, कोई हेयर नहीं होंगे, और किसी प्रकार और जो आईज होंगी वो क्लोज्ड होंगी। अब है केयर ऑफ न्यू बॉर्न, यानी काइंडलिंग के बाद में न्यू बॉर्न को क्या बोलेंगे, जो उसको किट बोलते हैं, किट के नाम से जानते हैं, जो न्यू बॉर्न होगा वो प्रेविट का किट के नाम से, तो केयर ऑफ न्यू बॉर्न, उसकी केयर कैसे करेंगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। द न्यू बॉर्न किड्स ओपन देयर आई बिटवीन 10 टू 14 डेज, जब किट अबाउट 2 वीक यानी 10 टू 14 डेज का हो जाए तब उसकी आंखें ओपन हो जाती हैं, खुल जाती हैं, एंड दे हेयर कॉप स्टार्ट ग्रोइंग आफ्टर 5 डेज, और उसका जो हेयर कॉट यानी उसका जो बनना हेयर आना शुरू हो जाएगा, कब से, जो 5 दिन से, यानी आफ्टर बॉर्न के 5 दिन से शुरू हो जाता है उसके हेयर आना। द किड शुड बी एग्जाम्ड प्रॉपरली द नेस्टिंग मटेरियल, शुड बी रिप्लेस्ड बाय फ्रेश एंड ड्राई मटेरियल, इट इज द लिटर साइज इज लार्जर, सम किड शुड बी फॉस्टर्ड विथ अनदर डॉग, बैलेंस्ड फीडिंग वाटरिंग लिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रेस टू डू प्रिवेंट कैनिबॉलिज्म, इसके लिए स्पेशली जो इस पीरियड के अंदर बैलेंस फीडिंग वाटरिंग एंड ये अपने मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। द ईटिंग इन्फेंट्स बाय मदर टू, अब है केयर ऑफ ग्रोइंग स्टॉक, केयर ऑफ ग्रोइंग, केयर ऑफ ग्रोइंग स्टॉक, जो उसका कैसे करेंगे केयर, जो काइंडलिंग हो गया न्यू बॉर्न है, तो अभी जो ग्रोइंग स्टॉक होगा तो न्यू बॉर्न का, तो उसमें इनके कैसे केयर करेंगे डिस्कस करेंगे। एडिक्वेट मिल्क सप्लाई गिव ए प्रॉपर ग्रोथ टू यंग रैबिट्स, मिल्क की उसको प्रॉपरली सप्लाई यानी उसको देते रहेंगे। दे स्टार्ट ईटिंग एट 3 or 4 weeks ऑफ एज, जब ये 3 से 4 वीक के हो जाते हैं तब अब ईटिंग खाना शुरू कर देते हैं अदर फीड्स का। एट दिस टाइम दे आर रिमूव्ड फ्रॉम नेस्ट बॉक्सेज, और उसको इस पीरियड के बाद में जब खाने लग जाए तो इसको नेस्ट बॉक्स दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। किड्स आर व्हेन एट 6 to 8 weeks एंड अप टू 12 weeks ऑफ एज दे आर केयर्ड मैक्सिमम, बिकॉज मोर्टिलिटी रेट इज वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, लिटर कैन बी हाउस्ड इन कॉलोनी पेंस, जब इनका वेन सिस्टम का मतलब जो मदर से अलग रह के अपन उसको वेयरिंग करेंगे, केयर करेंगे उसकी, मदर से दूर करते हैं, उसका जो मिल्क भी अपन देंगे तो मदर से अलग करने के बाद में अपने आर्टिफिशियली उसको पिलाएंगे, तो इसका कब होगा वेन सिस्टम, वेन एट 6 to 8 weeks एंड अप टू 12 weeks, यानी 6 से 8 वीक तक इसका मेनिंग सिस्टम है, से दूध इसका अपनाते हैं, और अप टू 12 वीक तक भी इसका मेन
जब 12 वीक का हो जाएगा तब भी अपन कर सकते हैं, यानी जनरली तो 6 to 8 करते हैं लेकिन 12 वीक तक भी इसका विनिंग सिस्टम अपना सकते हैं। और इसमें स्पेशली इनका ध्यान रखते हैं कि मोर्टलिटी का और इसका हाउस्ट और मैनेजमेंट का स्पेशली ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जैसे फीडिंग है, अदर्स मैनेजमेंट है। अब है ब्रीडिंग एंड सिलेक्शन टेक्निक फॉर ऑप्टिमल प्रोडक्शन ऑफ रैबिट। ब्रीडिंग एंड सिलेक्शन ब्रीडिंग एंड सिलेक्शन टेक्निक्स फॉर टेक्निक्स फॉर ऑप्टिमल प्रोडक्शन ऑफ रैबिट ब्रीडिंग एंड सिलेक्शन टेक्निक्स फॉर ऑप्टिमल प्रोडक्शन ऑफ रैबिट का, ये जो इसका ब्रीडिंग कैसे किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो प्रोडक्शन अच्छा हो सके और हेल्दी प्रोडक्शन लिया जा सकता है, क्या कैसे चुनाव कर सकते हैं, ब्रीडिंग में कौन सी टेक्निक अपनाएंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीडिंग सिस्टम, ब्रीडिंग सिस्टम में क्या है, आफ्टर सिलेक्शन रैबिट शुड बी ब्रीड विथ अ डेफिनेट ब्रीडिंग प्लान, मतलब एक निश्चित ब्रीडिंग प्लान करते हैं उसके, जो आपका ब्रीडिंग स्टॉक सिलेक्शन कर लिया उसके बाद के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ब्रीडिंग टेक्निक्स हैं अलग अलग, इन ब्रीडिंग इसमें क्या करते हैं कि अवॉइडिंग क्लोज रिलेशन मेटिंग ऑफ रिलेटेड एनिमल्स टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म इन ब्रीड लाइन। इनब्रीडिंग जो क्लोज रिलेटेड मेटिंग किया जाता है इसके अंदर और यूनिफॉर्म लाइन का इसको अप्लाई करते हैं। सेकंड लाइन ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग क्या होती है, इट इज ए टाइप ऑफ इन ब्रीडिंग यूज टू प्रोड्यूस प्योर ब्रीड लाइन विच लीड टू इंक्रीज जेनेटिक इनफॉर्मिटी विथ लेसर चांसेस ऑफ अनडिजायरेबल ट्रेट्स। लाइन ब्रीडिंग क्या करते हैं, एक जो इनब्रीडिंग के अंदर प्योर ब्रीड लाइन का एक सिलेक्शन करते हैं कि ये प्योर ब्रीड है और उसमें ही आपस में उसमें सिलेक्शन किया जाता है, विच लीड टू इंक्रीज जेनेटिक, और इसका स्पेशली अपनाते हैं कि जो जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी ज़्यादा ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं, इसलिए इस लाइन ब्रीडिंग का अपन यूज करते हैं। जैसे ओरिजिनल ब्रीड लेते हैं तो उस ओरिजिनल को अपन कंटिन्यू रखने के लिए लाइन ब्रीडिंग का अपन यूज करते हैं। नेक्स्ट है आउटब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग क्या होती है, क्रॉस ऑफ अनलेटेड लाइंस विद द सेम ब्रीड्स, सेम ब्रीड्स का जो क्रॉसिंग करवाते हैं मगर अनरिलेटेड लाइंस के, जो लाइन रिलेटेड नहीं होगी अनरिलेटेड होगी तो उसको बोलेंगे, जो अनरिलेटेड में उसको क्रॉसिंग करवाएंगे तो आउटब्रीडिंग कहलाएगी। इट इज डन व्हेन द रैबिट इन लाइन स्टार्ट फॉर रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस, तब यूज करते हैं, जो फॉर रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस होती है तब भी इसका यूज करते हैं।
नेक्स्ट है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है, जो आपने अदर्स एनिमल्स में पढ़ा है, मेटिंग ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स फॉर हाइब्रिड विगर एंड नेकिंग एबिलिटी। यानी जो अपने एक स्पेसीज की जो डिफरेंट ब्रीड होती हैं उनमें मेटिंग करवाया जाता है, मेटिंग ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स फॉर हाइब्रिड विगर के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो जेनेटिक फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, विगर ज़्यादा बढ़ेगा इसका, मेटिंग ए डिफरेंट ब्रीड्स फॉर हाइब्रिड विगर एंड नेटिंग एबिलिटी। नेक्स्ट है रोटेशनल क्रॉसिंग। इसमें क्या करते हैं कि रोटेशन यानी ब्रीड का जो कराते हैं, सेवरल ब्रीड्स आर क्रॉस्ड इन रोटेशन। कई ब्रीड्स लेते हैं, दो या दो से अधिक ब्रीड लेते हैं इसमें, तो रोटेशन के हिसाब से इसमें क्रॉस किया जाता है। सेवरल ब्रीड्स आर क्रॉस्ड इन रोटेशन टू ब्रिंग डिजायर्ड अमाउंट ऑफ नेकिंग एबिलिटी। कुछ स्पेसिफिक जो करेक्टर होगा उसको लेने के लिए उसको रोटेशन क्रॉसिंग करवाते हैं, स्पेशली इसी के लिए ये ब्रीडिंग टेक्निक अपनाई जाती है। तो ये आपका जो ब्रीडिंग सिस्टम है, ब्रीडिंग सिस्टम में कौन कौन सी ब्रीडिंग इनका फॉलो करते हैं, इन ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग, आर ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड रोटेशन ब्रीडिंग। इसके हिसाब से अपने जिस एम्स या जिस उद्देश्य के हिसाब से अपन उनको रेयरिंग करते हैं उस हिसाब से ब्रीडिंग टेक्निक का यूज करते हैं। अब है ब्रीडिंग मैनेजमेंट में क्या होता है, मेच्योरिटी ऑफ रैबिट डिपेंड्स अपन ब्रीड, न्यूट्रिशन एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ब्रीडिंग मैनेजमेंट में कि ये सब चीज़ें देखते हैं, कब से इसका ब्रीडिंग करवाया जाएगा, कितने एज में उसका मेच्योर हो गया तो उसको ब्रीडिंग किया जाएगा। तो स्मॉल मेल एट द एज ऑफ 5 to 6 months एंड मीडियम ब्रीड्स ऑफ 6 to 7 months एंड लार्ज ब्रीड्स ऑफ 8 to 10 months वाइल फीमेल्स मेच्योर अर्लियर। अगर स्मॉल ब्रीड है तो क्या करेंगे, उसमें 5 to 6 months में मेल मेच्योर होगा, और मीडियम का कितना होगा 6 to 7 months, और लार्ज का 7 to 8 months। यानी 5 to 8 months तक इनका जो मेच्योर हो जाते हैं, मेल की बात कर रहे हैं, और जो फीमेल जस्ट इससे पहले ही मेच्योर हो जाती है उस हिसाब से उसका ब्रीडिंग अपन करवाते हैं। अब है फीड्स एंड फीडिंग। कि ब्रीडिंग के बाद में अपन देखते हैं कि इसका कौन कौन सा फीड खिलाना चाहिए, कैसे कैसे फीड देने चाहिए ताकि उसकी ग्रोइंग अच्छी, उसके प्रोडक्शन अच्छा मिल सके। फीड्स इन फीडिंग ऑफ रैबिट प्रोडक्शन प्रोडक्शन। रैबिट इज हर्बीवोरस एनिमल्स, यानी रैबिट की जो नेचर क्या है, हर्बीवोरस एनिमल्स में आता है। ओनली वो ग्रीन ही इंटेक करता है, यानी प्लांट मटेरियल होगा ज्यादा से ज्यादा वो ही डेक करेगा। दे एलिमेंट्री कैनाल इज लॉन्ग एंड कैपिशियस, उसकी जो एलिमेंट्री एनालो की लॉन्ग होती है वो कैपिशियस ज़्यादा होगी। देयर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज लाइक
हॉर्स एंड पिग्स, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, जो पिग्स और हॉर्स के लायक होगा, जैसे उनमें होता है वैसे ही इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। फ्लूइड एंड पैलेटेट कंसंट्रेट्स आर गिवन, इसको जो लीव्स होती हैं वो और पैलेटेट जो कंसंट्रेट का जो पैलेट्स बना के उसको दिया जाता है। प्रोटीन स्टार्च एंड फैट आर ब्रोकन इनटू ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड, सेलुलोज आर डाइजेस्ट इन सिकम द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन रैबिट हैज पिकुलरिटी कॉल्ड कोप्रोफेगी, जो पहले डिस्कस करते कहते हैं कि कोप्रोफेगी क्या होता है। रैबिट आर गिवन फीड टू इंक्रीज वूल मेट फार एंड हेल्दी, कि जो उनका ऐसा फीड दिया जाता है उनकी नेचर के हिसाब से, आपको जो से वूल मेट एंड फर प्रोडक्शन करना उसी बार उसकी फीडिंग मैनेजमेंट किया जाता है। अब चलते हैं कि उनको टाइप्स ऑफ फीड्स कौन कौन से फीड देते हैं, टाइप्स ऑफ फीड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रफेज, रफेज कितना देंगे, कंसंट्रेट कितना देंगे, रफेज रफेज किसे देते हैं और कैसे देते हैं, रफेज रफेज फीड लाइक ग्रास वेजिटेबल रूट क्रॉप्स ग्रीन फॉरेजेज विथ कंटेन फाइबर्स एंड इंक्रीज द बल्क ऑफ हीट दे आर अवॉइड गैस्ट्रोएंटेराइट डिसऑर्डर। रफेजेज इसका लिए इम्पोर्टेंट है, जो रफेजेज में क्या क्या ये इंटेक करते हैं, वेजिटेबल्स भी करते हैं, ग्रासेज भी करते हैं, रूट भी करते हैं, रूट क्रॉप्स है, ग्रीन ग्रास भी यूज करते हैं, और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स हो सके, बल्की फीड हो सके, इस प्रकार से इसको ज़्यादा दिया जाता है। नेक्स्ट है कंसंट्रेट, यानी इनका जो फीडिंग की दो भागों में फिर डिवाइड कर दिया, एक तो रफेज में कितना दे रहे हैं, वो कंसंट्रेट में क्या दे रहे हैं, कंसंट्रेट में क्या देंगे कि प्रोटीन फीड लाइक ऑयल केक, ग्राम सोयाबीन पीज एंड एनर्जी रिच फूड लाइक मैक व्हीट एक्सट्रैक्ट। कंसंट्रेट में जो प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन और एनर्जी लाइक फीड देते हैं, इसमें ऑयल केक, ग्राम सोयाबीन एंड एनर्जी रिच फूड में मैक व्हीट देते हैं। नेक्स्ट, ये तो टाइप्स ऑफ फीड में दो पार्ट में बांट के इसलिए दे रहे हैं, अब बैलेंस कंसंट्रेट पैलेट्स, यानी बैलेंस राशन देना जरूरी होता है तो ऑल गुड प्रोडक्शन के लिए। होल ग्रेन केक विथ मिनरल्स विटामिन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैलेट्स विच अवॉइड वेस्टेज एंड आर इजी टू स्टोर एंड हैंडल। ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस्ड राशन में जो रफेजेज एंड कंसंट्रेट में जो मिक्स करके उसकी प्रोटीन की आवश्यकता के अनुसार तैयार किया जाता है, और उसका केक पैलेट्स तैयार करके और मिनरल्स और विटामिन्स का ध्यान रखते हुए तैयार किया जाता है। अब इसको इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो भी रिक्वायरमेंट्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स होगी उसकी पूर्ति हो सके, इसलिए बैलेंस्ड प्रोडक्शन अच्छा हो सके, ब्रीडिंग एफिशिएंसी अच्छी हो सके, इसलिए बैलेंस्ड राशन देना चाहिए कि कितना इसकी प्रोटीन की आवश्यकता होगी, कितना देना चाहिए, कितना फैट चाहिए इसको, कितना रफेज यानी फाइबर चाहिए, ये सब चीज़ें। तो फीडिंग रिक्वायरमेंट, अब एक रैबिट के लिए जैसे अपन ध्यान करते हैं तो कितना फीड चाहिए, फीडिंग रिक्वायरमेंट कितनी होगी,
फीडिंग रिक्वायरमेंट। फीडिंग रिक्वायरमेंट में एक एडल्ट रैबिट, इसके एडल्ट रैबिट, प्रेग्नेंट रैबिट एंड ग्रोविड तीन स्टेज में अपन बांटते हैं। तो एडल्ट रैबिट और प्रेग्नेंट और ग्रोइंग एडल्ट में प्रेग्नेंट और ग्रोइंग ये तीन स्टेज रैबिट प्रोडक्शन में। तो एडल्ट रैबिट को कितना डीसीपी चाहिए? 14:2 पहले भी अपन ने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था इसको फीडिंग में 14:2 16% है। और इसको कितना 100 to 150 ग्राम कंसंट्रेट की आवश्यकता, इतना अगर एक एडल्ट को पर डे ये देंगे 100 to 150 ग्राम्स कंसंट्रेट देंगे तो इसकी 14 to 60% सीपी ग्रुप प्रोटीन की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग एनिमल्स, लैक्टेटिंग एनिमल्स और प्रेग्नेंट के लिए कितना अपन फीड देने 200 to 280 कंसंट्रेट पर डे, 200 to 280 ग्राम पर डे ये आवश्यकता होगी। कितनी? प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग यानी 200 से 280 ग्राम ये कंसंट्रेट पर डे क्या, और इसमें सीपी कितनी होगी 18 to 20% होगी। इसको सीपी की कितनी आवश्यकता होगी 18 to 20% सीपी क्रूड प्रोटीन पर डे आवश्यकता होगी। यानी अब है ग्रोइंग, ग्रोइंग को लिए कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होगी और कितना देंगे इसको, देंगे ग्रोइंग रैबिट को तो 80 to 100 ग्राम कंसंट्रेट पर डे, 80 to 100 ग्राम कंसंट्रेट पर डे देंगे। और इसको रिक्वायरमेंट कितनी होगी 12 to 14% प्रोटीन की आवश्यकता होगी ग्रोइंग के लिए, और इसके लिए 80 to 100 ग्राम कंसंट्रेट पर डे इसको दिया जाएगा। तो ये तो इसी हिसाब से अपन फीडिंग रिक्वायरमेंट इसकी पूरी करते हैं। और एडल्ट को कितना देंगे, प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग तो ग्रोइंग कितना देंगे, कितने प्रोटीन की आवश्यकता होगी इम्पोर्टेंट है, और कितना मात्रा में अपन कंसंट्रेट को देंगे। अब है हाइजीनिक केयर एंड सैनिटेशन इन हाउसिंग, हाइजीनिक कैसे करेंगे, मैन जो है वो एनिमल्स में हाइजीनिक, उसकी फीडिंग करेंगे ब्रीडिंग के समय में सभी में उसके हाउसिंग में क्या सब। हाइजीनिक केयर हाइजीनिक केयर एंड सैनिटेशन ये पहले भी अपन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं पिछले लेसन में। एंड सैनिटेशन सैनिटेशन इन हाउसिंग जो पॉइंट के हिसाब से करेंगे क्या क्या ध्यान रखना चाहिए हाइजीनिक केयर में। फर्स्ट अप है रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ वेट एंड डर्टी बेडिंग, जो गीला या जो वेट होगा उसको अपन रिप्लेसमेंट रिमूवल करेंगे उसकी बेडिंग का, गीला नहीं रखेंगे, ड्राई रखेंगे और साफ रखेंगे। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ अनईटन फूड,
जो बचा हुआ भोजन होगा उसके लिए वो वहाँ से हटा देंगे, नहीं तो वो पूरे बिल्डिंग एरिया के अंदर फैला सकते हैं। क्लीनिंग ऑफ वाटर एंड फूड कंटेनर, जो फीडिंग का जो वाटर होगा और फीडर होगा उनको हमेशा क्लीन रखेंगे, डेली क्लीन करें। रैबिट हाउस शुड बी अवे फ्रॉम नॉइज एंड डस्ट, जो रैबिट का हाउस होगा वो ज़्यादा जहाँ आवाज़ होगी वहाँ से दूर रहना चाहिए और डस्ट वगैरह से दूर होना चाहिए, जिसे बड़े बड़े जो प्लांट्स फैक्ट्रियाँ हैं उनसे दूर होना चाहिए। नेक्स्ट रेट प्रूफनेस, जो उसका हाउसिंग होगा वो उसमें रेट की एंट्री नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से, प्रूफनेस होना चाहिए उसका हाउसिंग। डिसइंफेक्टेड और टेलाइट वाटर शुड बी प्रोवाइडेड, स्टेलाइजेशन जो वाटर दिया जाता है उसको, और डिसइंफेक्टेड जो भी फीड दिया जाता है ये पहले कर दिया जाता है। नेक्स्ट नेस्ट बॉक्सेज मस्ट बी डिसइंफेक्टेड, उसका जो नेस्ट बॉक्स होगा वो भी डिसइंफेक्टेड होना चाहिए, उसको भी क्लीन होना चाहिए। हेयर्स ऑफ रैबिट फ्रॉम केज थ्रू वॉशिंग, उसका केजेज होगा वो पूरी तरह से एकदम साफ होना चाहिए, उसको टाइम टाइम से उसको साफ करते रहना चाहिए प्रॉपर रूप से। नेक्स्ट एंड एसिड वॉश में बी रिक्वायर्ड टू क्लीन एंड रैबिट यूरिन फ्रॉम व सोलिड फ्लोर पेंस, जो उसका टाइम टू टाइम उसका जो यूरिन और उसका सॉलिड जो फिकल मटेरियल वो दूर करते रहना चाहिए। तो ये इस तरह की हाइजीनिक केयर है, वो सैनिटेशन है उसके हाउस से, ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए किसी प्रकार के उसमें गंदगी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो वो बीमारी हो जाएगी और वो उनकी मोर्टलिटी ज़्यादा हो जाएगी। अब है डिस्पोजल यूटिलाइजेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, डिस्पोजल यूटिलाइजेशन यूटिलाइजेशन एंड रिसाइकलिंग वेस्ट, डिस्पोजल यूटिलाइजेशन रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट कैसे करेंगे, डिस्पोजल यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, रिसाइकलिंग कैसे करेंगे इसके बारे में। द वेट ऑफ अ रैबिट मैन्योर वेरीज बिटवीन 450 टू 650 किलो पर क्यूबिक मीटर, यानी जो एक क्यूबिक मीटर के हिसाब से अपन मैन्योर जो वेरीज करता है कितना उसका जो करता है ये 450 इतना जो किलो पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से इसका जो मैन्योर होगा वो होगा, यानी 450-650 किलो तक। ऑन ए ड्राई मैटर बेसिस, ड्राई मैटर बेसिस पे इसको मतलब कैलकुलेशन किया गया है, द मैन्योर कंटेन 2.7% नाइट्रोजन एंड 1.5 फॉस्फोरस एंड 1% पोटास, जो इसका मैन्योर होगा जो एनपीके नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम वो 2.7 1.5 एंड
1%. ये क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इतने उसके जो यूरिन के अंदर ये होगी 2.7% नाइट्रोजन होगी, 1.5% फास्फोरस और 1% पोटेशियम होगा। अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड जो वेस्ट होगा वो कैसे मैनेजमेंट करेंगे? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रैबिट मैन्योर इज वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट रिसोर्सेज इन इंडस्ट्री सिस्टम। इट मे बी रिमूव वंस इन ए सेवरल वीक्स एंड केप्ट ड्राई टू अवॉइड ऑर्डर जनरेशन एंड न्यूट्रिएंट रन ऑफ। इट कैन बी डायरेक्टली यूज्ड इन टोल डैम और इन कंपोस्टिंग मिक्स विद ए ग्रीन वेस्ट। जो सॉलिड वेस्ट होगा इसका कैसे अपन मैनेजमेंट के, जो भी अपन इसके लिए जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए उसको ग्रीन प्रोडक्शन करने के लिए अपन यूज में ले सकते हैं उसका मैन्योर, और वो उनके बहुत सारे न्यूट्रेंट्स एनपीके अच्छा होता है और तो इसका यूज कर सकते हैं। उसको वेस्ट ऐसे फेंकते नहीं, उसको वहाँ से कलेक्शन करके या फिर कंपोस्ट बनाने में इसका यूज में कर लेते हैं या डायरेक्ट उसके यूज में कर सकते हैं। तो इसका मैनेजमेंट इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट है वेस्ट वाटर कलेक्शन एंड स्टोरेज। वेस्ट वाटर एंड कलेक्शन स्टोरेज ऑल ड्रेनेज वाटर एंड एनिमल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड वाई ड्रेन और पाइप इंटू ए पॉन्ड। जो वेस्ट वाटर और जो स्टोरेज है उसकी जो हाउसिंग सिस्टम में से वो हमेशा कलेक्ट करना चाहिए टाइम टू टाइम, या ड्रेनेज सिस्टम इस तरह से होना चाहिए वाटर का और एनिमल वेस्ट का भी, जो कलेक्टेड आराम से किया जा सकते जो थ्रू पाइप और पॉन्ड्स के थ्रू डायरेक्ट पॉन्ड में जा सकता है या पाइप के थ्रू बाहर किया जा सकता है। तो इस तरह से उसका वाटर का और सॉलिड का मैनेजमेंट करते हैं, वेस्ट का उसको रिमूव करते हैं। अब एप्लीकेशंस ऑफ वेस्ट वाटर एंड स्लज टू लैंड, कि जो वाटर वेस्ट है और स्लज है उसका किस तरह से अपन प्रयोग करेंगे, कुछ पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। दिस फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी कंसिडर्ड फॉर द न्यूट्रिएंट जेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो दो द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द एफिशिएंट एंड स्लज, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्रॉप्स और पास्चर। जो क्रॉप्स होगी पास्चर होगी उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको यूज में करते हैं। द सोइल
प्रॉपर्टीज ऑफ द एप्लीकेशन साइट, सोइल की प्रॉपर्टीज वगैरह उस हिसाब से इसको यूज में लेते हैं। नेक्स्ट, इन डेवलपिंग द बजट रेफरेंस में बी टू बी मेट, जो उसका इस तरह से जो डेवलपिंग का बजट बनाना है उसका रेफरेंसेज में बी नीड टू बी मेट, उसी तरह बजट के हिसाब से उसका यूज करते हैं। द न्यूट्रेंट बजट में बी वेग इफ सोलिड एफिशिएंट इज टू बी स्प्रेड। द वाटर, नेक्स्ट पॉइंट, द वाटर टेबल इज डीपर देन 3 meters एंड देयर इज नो रिचार्ज और सेलाइन। जो टेबल वाटर टेबल होती वो डीपर 3 meters से ज़्यादा उसका नहीं होना चाहिए एंड देयर इज नो रिचार्ज एंड सेलाइन। रिसाइकलिंग, अब है रिसाइकलिंग, ये अभी तो अपने पॉइंट पढ़े कि इसका वेस्ट वाटर और जो स्लज होगा वो सॉलिड का और वाटर का और उसका डिफ्यूजन का किस तरह से उसको और वेस्ट का मैनेजमेंट किया जाएगा। अब है कि रिसाइकलिंग क्या होती है। रिसाइकलिंग क्या होती है, स्पेशली जो रिसाइकलिंग का मतलब है, अपन अदर्स एनिमल्स में भी अपन ने स्टडी किया है वो रिसाइकलिंग मोटे तौर पर अपन ये कह सकते हैं कि जो एनिमल से क्या अपन को प्राप्त होता है, जैसे एवेलेबल, जैसे फीड, जैसे अदर्स एनिमल्स जैसे मिल्क, मीट, लेदर, हेयर, वूल, अदर। इसी तरह से रैबिट के अंदर भी अपन को मीट, वूल और फर, स्किन, ये अपन प्राप्त होता है। अब ये तो अपन यूज में ले लेते हैं। अब इसके लिए जो उसका जो वेस्ट मेटेरियल होगा, वेस्ट मेटेरियल में कौन कौन से आ रहे हैं, जैसे उसका यूरिन आ गया और उसका फिकल मेटेरियल आ गया और अदर्स उसका जो डिफ्यूजन आ गया, वो अपन किसी में लेंगे, वो रिसाइकल के रूप से अपन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए यूज में लेंगे। एग्रीकल्चर में उसको लिए ग्रीन प्रोडक्शन के लिए, जैसे अपन उसके लिए ग्रोइंग करेंगे तो उसका लोग जो एज ए मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के रूप में उसको लिया जाएगा और वो फिर उसका अपन को ग्रीन प्रोडक्शन होगा, वो अपन उसको खिलाएंगे और वो फिर उसका वेस्ट मेटेरियल बाकी वो एग्रीकल्चर में, इस तरह से उसका रिसाइकलिंग चलता रहता है क्योंकि वेस्ट नहीं होता। तो इसी तरह से अपन इसके अंदर यही जो सारे एनिमल्स है, रैबिट की नहीं है, अदर एनिमल में भी ऐसा होता है, तो अपने पहले भी स्टडी किया है, तो इसलिए रिसाइकलिंग मैनेजमेंट करते हैं। तो इसमें कुछ नोट कर लिए, रिसाइकलिंग, रैबिट ड्रॉपिंग्स मेक ग्रेट फर्टिलाइजर, सो रिसाइकलिंग ऑफ रैबिट फिशेज आर नॉट ओनली गुड फॉर द गार्डन, इट मीन्स लेस वेस्ट गोइंग टू लैंडफिल। ये एक तरह से जो गार्डन के लिए यह प्रोडक्शन का डिक्लाइन और भी अपन एग्रीकल्चर में इसमें ले सकते हैं और उसकी जो सोइल की फर्टिलिटी भी अपन इम्प्रूव कर सकते हैं इसके वेस्ट मेटल से। रैबिट वेस्ट रिड्यूसेस द कार्बन फुटप्रिंट बाय रिसाइकलिंग इट। इसे इफ द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू कैरी आउट देयर रेट ऑफ चार्जिंग बाय द बेनफुल इट कुड इवन सेव द मनी।
रिसाइकलिंग से इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपन रिसाइकलिंग करके इसका वेस्ट का यूज करके मनी का सेव कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्रोजेक्ट तैयार करती है और करने के लिए बोलते हैं, जो बड़े बड़े फार्म्स हैं। देयर इज नो नीड ऑफ ए लॉट ऑफ स्पेस टू कंपोस्ट, इट कैन बी ऑफ 22 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड कैन बी थिक आउट बिहाइंड ए ट्री। इट इज यूजुअली विदाउट बॉटम सो दैट worms can get in and excess water can drain out the whole content of carpet litter tray can be composted including the litter and hay। इसी तरह से अभी मैंने बताया इसका जो भी जैसे कंपोस्ट या इसका लिटर वो अपन एग्रीकल्चर में या गार्डनिंग में या किचन गार्डनिंग में अपन यूज कर सकते हैं, और इसका जो रिसाइकलिंग चलता रहता है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा उसके जो प्रोडक्शन वो अपन यूज में लेते रहते हैं। तो ये अपन ने रिसाइकलिंग इस तरह से अपन को कर सकते हैं। इस तरह से अब जो इसका जो रैबिट का आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जो रैबिट प्रोडक्शन से संबंधित था वो पूरा। अगर इसमें किसी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट दे सकते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो पेट एनिमल्स में डॉग्स कैट एंड कुछ सम पेट बर्ड्स भी होते हैं, उनका अपन डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहले डॉग का लेंगे, फिर कैट का लेंगे, फिर पेट बर्ड्स का लेंगे। अब जो कुछ मैं आपको अभी डिस्कस किया, और मैं हर क्लास के एंड में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाता हूँ वो, और वैसे भी आपको नोट्स मैं आपके व्हाट्सएप पे फोटोकॉपी भेजता हूँ, और क्लास के एंड में भी करवाता हूँ, तो इसकी डाउनलोड करके या कैसे भी अपन को इसको दे सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। फिर भी डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये आपके जो नोट्स हैं आप देखिए, फर्स्ट पेज ये है आपका केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ काइंडलिंग एनिमल्स। नेक्स्ट इसी पे है केयर एंड न्यूबॉर्न पेन्स, जो अपने डिस्कस किया है। सेकंड पेज पे केयर ऑफ ग्रोविंग स्टॉक है एंड ब्रीडिंग एंड सिलेक्शन टेक्निक्स फॉर ऑप्टिमल प्रोडक्शन ऑफ रैबिट है। थर्ड पे ब्रीडिंग सिस्टम है, जो आपने डिस्कस किया था, इन ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, रोटेशनल क्रॉसिंग, ये सब देखें। और ब्रीडिंग मैनेजमेंट में भी अपन ने देखा था, जो इसमें ये नोट्स है, जो 5 to 6 months, 6 to 7 to 10 months एंड फीमेल मेच्योर अर्लियर जल्दी और, तो इस तरह से ब्रीडिंग मैनेज करते हैं। फोर्थ में फीड्स इन फीडिंग ऑफ रैबिट प्रोडक्शन का है। इसी पे टाइप्स ऑफ फीड हैं, रेफ्रिजरेट कंसंट्रेट, बैलेंस कंसंट्रेट, पेलेट्स, ये सब इसी पे हैं। नेक्स्ट पे फीडिंग रिक्वायरमेंट कितनी होगी, जो अपने डिस्कस किया था अभी। और फिर इसी हाइजेनिक केयर एंड सैनिटेशन इन हाउसिंग ऑफ रैबिट, कुछ इम्पोर्टेंट मैंने जो पॉइंट आपसे डिस्कस किया था वो इस पे हैं। नेक्स्ट है डिस्पोजल यूटिलाइजेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, जो इसमें सॉलिड अभी डिस्कस किया था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट
कैसे करेंगे, वेस्ट वाटर कलेक्शन एंड स्टोरेज कैसे करेंगे, अप्लीकेशन ऑफ वेस्ट वाटर एंड स्लेज टू लैंड ये कैसे हैं, कुछ कुछ पॉइंट अपने डिस्कस किया था वो इसी पे हैं। और लास्ट पेज पे है जो रिसाइकलिंग, जो अभी मैंने डिस्कस किया आप लोगों को वो है। तो ये आपके नोट्स हैं और इसीलिए जो भी डाउट होंगे वो आप मेरे डिस्कस कर सकते हैं। आपको नोट्स भी दे रहा हूँ और जो भी प्रॉब्लम बताइए। ओके, थैंक यू।